तो वक्त हो चुका है क्रिप्टो न्यूज ऑफ द वीक का, जहां एक तरफ हम जानेंगे कि सेल्वाडोर के अंदर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है बिटकॉइन को लेकर, वहीं दूसरी तरफ जानेंगे कि पेपाल अपना स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कब निकाल रहा है। तो मेरे निकले शुरू करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, मेरा नाम है श्रेयस सैनी और आप देख रहे हैं टोटल क्रिप्टो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है ना क्या करना है। अगर आप हमारी सारी वीडियोस देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इससे हमारे चैनल को बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसकी ग्रोथ होती है और यार उसके साथ साथ आपको भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा जो भी हम नई वीडियो डाला करेंगे। तो यार सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का आइकन भी दबा दो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्रिप्टो न्यूज नंबर वन से, जो कि आ रही है सेल्वाडोर से। सेल्वाडोर के अंदर वहां के जो रेजिडेंट्स हैं वो बिटकॉइन को लीगलाइज करने के बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर। जी हाँ, एक हफ्ते पहले ही वहां पर बिटकॉइन लीगल हो गया था और 7 सितंबर से वहां पर बिटकॉइन को US डॉलर के इक्विवेलेंट माना जाने वाला था। लेकिन उसके बाद कई सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने वहां पर बहुत ही ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया। उसी के साथ साथ वहां के जो रेजिडेंट्स थे, वर्कर्स थे और वहां के जो पेंशनर्स थे, वेटरन्स थे, उन सभी ने मिलकर एक ही बात कही कि हमें क्रिप्टो करेंसीज की अपनी कंट्री में कोई जरूरत नहीं है। प्रोटेस्ट में उन्होंने कई तरीके के साइंस लिए हुए थे अपने हाथों में, जिसमें लिखा हुआ था बुकेले वी डोंट वांट बिटकॉइन नो टू करप्ट मनी लॉन्ड्रिंग, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि वहां के जो रेजिडेंट्स हैं वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज को नहीं चाहते हैं लीगल होना, क्योंकि वहां के लोगों को लग रहा है कि एक बार अगर क्रिप्टो वहां पर लीगल हो गया तो जो पेंशनर्स है और जो वर्कर्स है उनको जो पेमेंट्स मिलती है, जो उनकी भी पेंशन आती है, वो सब क्रिप्टो में मिलनी चालू हो जाएगी और उनका वहां का जो करेंसी है वो बंद हो जाएगा। इसको लेकर वहां के लोगों में बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो चलते हैं हमारी अगली न्यूज की ओर, जो कि है हैकर्स के बारे में। जी हाँ, हैकर्स ने क्रीम फाइनेंस प्लेटफॉर्म के अंदर करीबन 19 मिलियन डॉलर्स के क्रिप्टो एसेट्स को सफाचट कर दिया है। जी हाँ, क्रीम फाइनेंस जो कि एक मेजर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर हैकर्स ने 19 मिलियन डॉलर्स का जो एसेट है वो गायब कर दिया, चट कर लिया। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक वहां की फर्म का कहना है कि उनके टोकन के अंदर एक बग आने की वजह से जो हैकर्स हैं वो इतने बड़ी चोरी को अंजाम दे पाए हैं। इसी के साथ साथ क्रीम फाइनेंस ने अपनी सारी ट्रेडिंग, लेना देना, सारी ट्रांजैक्शंस को बंद कर दिया है और उसी के साथ साथ आप इनके प्राइस में भी गिरावट देख सकते हैं। अगर आपने हाल ही में क्रीम फाइनेंस के टोकन के अंदर गिरावट देखी है तो वो हो सकता है इसी वजह से हो। तो चलते हैं अगली न्यूज की ओर, जो की है दुबई से। जी हाँ, दुबई के अंदर जो बिट्रेक्स के सीईओ हैं उनका कहना है कि दुबई काफी ज्यादा प्रॉफिट और काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकता है क्रिप्टो करेंसीज के साथ। जी हाँ, एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा है कि दुबई के अंदर वो काफी तरह के स्टेप्स ले रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए और उसको रोजमर्रा की चीजों में यूज करने के लिए। जी हाँ, वो दुबई के सिटीजन्स को बताना चाहते हैं कि जो उनका प्लेटफॉर्म है बिट्रेक्स वो काफी सिक्योर है और आप उसको यूज करके क्रिप्टो स्पेस में अपना पहला कदम रख सकते हैं। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि दुबई अगर इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज को अपने यूज में लाता है या लीगलाइज करता है तो उसके साथ साथ दुबई की भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। इसी के साथ साथ एक बात आपको और बता दें, अगर आपको हमारी सारी खबरों को डिटेल में पढ़ना है या उनकी और गहराई में जानना है कि इस न्यूज के बारे में आप चाहते हैं कि मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा पता लगे, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पूरी डिटेल में कोई भी न्यूज को पढ़ सकते हैं। तो आप totalcrypto.com पर जाएं और कोई भी न्यूज के बारे में सर्च करके उसको फुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हमारी अगली न्यूज की ओर, जो कि है स्क्वायर की तरफ से। जी हां, ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी की दूसरी कंपनी स्क्वायर ने एक क्रिप्टो एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात कही है। जी हां, जैक डोर्सी काफी टाइम से क्रिप्टो करेंसीज को लेकर बहुत पॉजिटिव है और वो कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, इसका आगे बहुत ही अच्छा फ्यूचर है और वो सारे कदम उठा रहे हैं अपनी कंपनी स्क्वायर को क्रिप्टो करेंसीज के लिए बहुत ज्यादा इजी बनाने के लिए।
इसीलिए अब स्क्वायर जो कंपनी है वो काम कर रही है एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जिसको बिटकॉइन पावर कर रहा है। इसी के साथ साथ स्क्वायर का कहना है कि वो एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट पर भी काम कर रहे हैं जो कि बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा। तो चलते हैं अगली न्यूज की ओर जो की है चाइना से। यह चाइना की सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन ने प्लान किया है डिजिटाइज करने के लिए वहां की सिक्योरिटीज और फ्यूचर्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके। इस सब्जेक्ट पे वहां के डिप्यूटी डायरेक्टर जियांग डोशिंग ने कुछ इम्पोर्टेंट रिमार्क्स बताए हैं। उन्होंने बताया है कि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी सिक्योरिटीज की इंडस्ट्री को एडवांस करने के लिए इसकी स्टडी बहुत जरूरी है। चाइना ने पहले ही स्टेट कर दिया था वो अपने 14वें 5-year प्लान के अंदर ब्लॉकचेन को जरूर बांट देंगे। तो इस तरह ये लगता है कि चाइना समझ रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो क्रिप्टो करेंसीज को बिल्कुल भी सपोर्ट करना नहीं चाहता है। तो उसका मानना यही है कि क्रिप्टो करेंसी अच्छी नहीं है लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो चलते हैं हमारी अगली न्यूज की ओर जो की है डीहाई की तरफ से। जी हाँ, डीहाई प्लेटफॉर्म ने अपना पहला आइट्रेशन क्रिप्टो क्लस्टर लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, इस मल्टी चेन एसेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं अपने सारे क्रिप्टो एक सिंगल प्रोटोकॉल के अंदर। जिसके साथ इस प्लेटफॉर्म ने लॉन्च कर दिया है और उसको डेवलप भी कर रहा है पहले क्रिप्टो क्लस्टर को, जिसको उन्होंने नाम दिया है डीहाई प्लेटफॉर्म V1। अभी तो सिर्फ डीहाई ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च ही किया है, लेकिन इसी के साथ साथ वो आगे जाकर इसके अंदर सारे फीचर्स को भी ऐड कर देगा, जैसे कि स्टेकिंग, यील्ड फार्मिंग और लिक्विडिटी माइनिंग। तो चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ जो कि है पेपाल की तरफ से। जी हाँ, पेपाल अभी एग्जिस्टिंग ब्रोकर के साथ पार्टनर कर रहा है जिससे वो अपना खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म निकाल सके। जी हाँ, जहाँ ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि सारे जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पर ब्रोकरेज भी कम होती है, उसी के साथ साथ आप ऑनलाइन सब कुछ देख सकते हैं और आसानी से उसको ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए पेपाल भी सोच रहा है कि वो इसी के अंदर क्यों ना अपना खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना ले। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या पेपाल सिर्फ शेयर मार्केट के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाएगा या वो शेयर मार्केट और दोनों क्रिप्टो करेंसी के लिए भी यूजेबल होगा। तो चलते हैं हमारी अगली न्यूज की ओर जो की है इथेरियम और कार्डानो के प्राइस को लेकर। जी हाँ, इथेरियम और कार्डानो अपने नए हाई पर पहुंच गए हैं इस बुल रन के साथ। जी हाँ, जहाँ एक तरफ क्रिप्टो मार्केट की कैपिटलाइजेशन करीबन 2.2 trillion हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इस मार्केट का जो बुल रन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, इथेरियम और कार्डानो जैसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक ही दिन में डबल डिजिट में गेन कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ इथेरियम पिछले कई टाइम से $3,000 के प्राइस पर ही चल रहा था, वहीं पिछले कुछ 3-4 दिनों में ही इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई तोड़कर $3,700 के प्राइस तक पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ कार्डानो भी कुछ ऐसे ही ग्रोथ दिखा रहा है। अगर चार्ट की तरफ नजर डालें तो कार्डानो में भी 8 अगस्त के अंदर कुछ थोड़ी थोड़ी ग्रोथ दिख रही थी और उसका प्राइस करीबन $1.477 आ गया था, लेकिन उसी के बाद हफ्ते खत्म होने तक उसका प्राइस $2.2 तक आ गया था। उसी के बाद करीबन 31% की ग्रोथ दिखाते हुए कार्डानो का प्राइस पिछले 2 हफ्ते के बाद $3 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कार्डानो का प्राइस $1.477 से $3 तक आ गया है, यानी के 21 दिन में पैसा डबल। तो चलते हैं हमारे इस हफ्ते की आखिरी न्यूज की ओर जो कि है फ्रैंकलिन टेम्पलटन की तरफ से। जी हाँ, एसेट मैनेजर फ्रैंकलिन ने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इथेरियम और बिटकॉइन को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। जी हाँ, एसेट मैनेजर फ्रैंकलिन ने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर इथेरियम और बिटकॉइन ट्रेड्स को ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ वो हायर कर रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडर्स को। जी हाँ, फ्रैंकलिन ने 2 जॉब पोस्टिंग निकाली है क्रिप्टो ट्रेडर एक्सपर्ट के नाम से। जी हाँ, वो कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं डिजिटल एसेट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर। उसके अंदर वो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को
और रिसर्च का काम करेंगे। जी हाँ, ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर की फर्म बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। जी हाँ, इन दो जॉब पोस्टिंग के साथ वो अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहा है, और उसी के साथ साथ वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी आगे जाकर रिसर्च करना चाहता है और उसके अंदर इन्वेस्ट कर अपनी भी ग्रोथ बढ़ाना चाहता है। तो आपको इस बात से समझ आ ही गया होगा कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज अब इसके अंदर इंटरेस्ट लेती जा रही हैं और प्रॉफिट बनाती जा रही हैं। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की सबसे लेटेस्ट न्यूज और सबसे खास खबरें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।